नमस्कार, शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का सलाद। इसको गाजर की चटनी, गाजर का सलाद, पचड़ी और गाजर की कोशिंबीर भी कहा जाता है। और ये बहुत अच्छी लगती है और खाने में बहुत स्वाद बढ़ाती है। तो चलिए, इसके लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने दो बड़े गाजर को पीस लिया है, उसको ग्रेट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून मैंने मटर के दाने लिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आधा नींबू, आधा लेमन मैंने लिया हुआ है, इसका रस हम उसमें डालेंगे निचोड़ के। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1/2 टीस्पून हींग लिया हुआ है मैंने। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून मैंने राई दाना लिया हुआ है। ये ऑप्शनल है, चाहो तो आप डाल सकते हो या फिर नहीं भी डाल सकते हो। और यहाँ पर है 1 टीस्पून जीरा। और यहाँ पर 1 to 2 टेबलस्पून मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया हुआ है, 1.5 तेल लिया हुआ है तड़का लगाने के लिए। यहाँ पर है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप मैंने बस उसका कलर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं डालूँगी इसको, नहीं डाला तो भी चलता है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 टीस्पून मैंने शुगर ली हुई है, शक्कर ली हुई है 2 टीस्पून। और यहाँ पर है नमक, या आप अंदाज से स्वादानुसार डाल सकते हो, मैंने 2 टीस्पून लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है हरा धनिया, कट करके लिया हुआ है, इसको अच्छे से धो के कट करके लिया हुआ है। और मिर्ची, इनको भी 3-4 मिर्ची मैंने ली हुई है, इसको भी बारीक बारीक पीसेस में मैंने कर लिया है। तो चलिए अभी रेसिपी को शुरुआत करते हैं। हम इसको तड़का लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने तड़के का पैन गैस पे चढ़ा दिया है और मैं गैस को ऑन करूँगी। गैस को हमको लो रखना है एकदम, क्योंकि काफ़ी छोटा पैन है, इसलिए मैं गैस को लो रखूँगी और हम इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो 1.5 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राई दाना, जो भी हमने बारीक वाला राई दाना लिया हुआ था वो हम इसमें डालेंगे। और इसको थोड़ा होने देंगे, क्रैकलिंग की नॉइस आएगी, ये देखिए। इसको हम बंद कर देते हैं गैस को। इसमें हम डालेंगे जो हमने मिर्ची ली थी वो हम इसमें डालेंगे। जीरा जो हमने लिया हुआ था वो भी इसमें डाल देंगे। और ये जो हींग था, हींग हमने लिया था वो भी इसमें डालेंगे। हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और यहाँ पर जो मैंने हल्दी ली हुई थी वो हम इसमें डाल रहे हैं। हल्दी ऑप्शनल है। गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया है। अब हम इस जो तड़का हमारा है उसको हम गाजर के ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो गाजर लिया हुआ था, अब हम इसमें डालेंगे मटर, मटर डाल देंगे और ये शक्कर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, सारी चीज़ें हम इसमें मिला लेंगे। और ये जो धनिया है वो भी हम इसमें साइड से रख देंगे इस तरह से। और ये जो तड़का जो हमारा था गर्मा गर्म, ये हम इसमें डालेंगे। हमने पूरा तड़का इसमें डाल दिया है, ऑयल जो हमने ऑयल में सारी चीज़ें मिला दी थी। और हम इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस। ये सारी चीज़ें हमने इसमें मिला दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पूरा मिक्स करना है। और ये जो कोशिंबीर है, ये जो चटनी है गाजर की, सलाद बोल सकते हो आप इसको, ये बहुत ही अच्छा बनता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा लगता है। खाने के साथ तो बहुत ही अच्छा स्वाद बढ़ाता है ये खाने का। शक्कर हमने इसलिए डाली थी क्योंकि हमने नींबू रस भी डाला था, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने थोड़ी शक्कर डाल दी है, काफ़ी स्वाद बढ़ता है उससे। हमारी गाजर की चटनी तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी चटनी हमारी बनी हुई है। उसने से 5 मिनट पहले आप इसमें नमक डाल सकते हो, क्योंकि पहले से अगर नमक डालोगे तो पानी छूटने के चांसेस रहते हैं। 5 मिनट पहले आप इसको परोसने से पहले डाल सकते हो नमक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।